1997 में ऐश्वर्या राय की पहली पिक्चर आई इरुवर, जो कि फ्लॉप रही, और उसके बाद इसी साल उनकी और प्यार हो गया आई, जो उनकी दूसरी पिक्चर थी जो फ्लॉप रही। 1998 में उनकी जींस पिक्चर आई जो सुपर हिट रही, और इसके बाद 1999 में उनकी अब लौट चले आई जो कि बिलो एवरेज थी, और उसके बाद 1999 में उनकी हम दिल दे चुके सनम आई जो कि हिट रही, और उनकी छठी पिक्चर 1999 में आई रवोई चंदा मामा जो कि एवरेज रही, और 1999 में उनकी ताल आई जो कि सेमी हिट रही, और उसके बाद उनकी सन 2000 में आई मेला जो फ्लॉप रही, और इसी के साथ उनकी सन 2000 में आई कंडू कोंडाइन कंडू कोंडाइन जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, और इसी साल उनकी जोश पिक्चर आई जो कि एवरेज थी और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद उनकी 2000 में आई हमारा दिल आपके पास है जो कि हिट रही, और इसके बाद उनकी इसी साल अपने हस्बैंड के साथ आई ढाई अक्षर प्रेम के जो फ्लॉप रही, इसके बाद उनकी शाहरुख खान के साथ एक और मूवी आई मोहब्बत है जो कि ब्लॉकबस्टर रही, इसके बाद सन 2001 में अलबेला पिक्चर आई जो कि गोविंदा के साथ थी वो फ्लॉप रही, इसके बाद सन 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम आई जो कि एवरेज थी, इसी के साथ उनकी सन 2002 में 16वीं पिक्चर आई हम किसी से कम नहीं जो कि फ्लॉप थी, उसके बाद उनकी सन 2002 में आई 23 मार्च 1931 शहीद जो डिज़ास्टर थी, इसके बाद 2002 में देवदास आई जो बहुत ज़्यादा हिट रही, और उसके बाद आई शक्ति द पावर 2002 में जो फ्लॉप रही, उनमें उनका एक ही गाना था, उसके बाद 2004 में उनकी पिक्चर आई चौखेर बाली जो कि हिट रही, उसके बाद उनकी 21वीं पिक्चर 2003 में आई दिल का रिश्ता जो कि फ्लॉप रही, उसके बाद इसी साल इनकी कुछ ना कहो आई जो उनके हस्बैंड के साथ थी जो फ्लॉप रही, इसी के बाद उनकी 23वीं पिक्चर खाकी आई जो एवरेज रही, इसके बाद 2004 में क्यों हो गया ना इनकी 24वीं पिक्चर थी जो फ्लॉप रही, इसके बाद 25वीं पिक्चर 2004 में आई इनकी ब्राइड एंड प्रेजुडाइज जो हिट रही, इसके बाद 26वीं पिक्चर इनकी रेनकोट 2004 में आई जो डिज़ास्टर थी, इसके बाद उनकी 27वीं पिक्चर 2005 में आई शब्द जो डिज़ास्टर थी, इसी साल उनकी 2005 में द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस पिक्चर आती है जो फ्लॉप थी, इसके बाद 29वीं पिक्चर बंटी और बबली जिनमें उनका एक ही गाना था जो सुपर हिट रही, उसके बाद 30वीं पिक्चर इनकी 2006 में उमराव जान जो फ्लॉप रही, उसके बाद 31वीं पिक्चर उनकी धूम 2 आई जो 2006 में आई थी जो ब्लॉकबस्टर रही, इसके बाद उनकी 32वीं पिक्चर गुरु जो 2007 में आई थी और वो हिट रही, इसके बाद उनकी 33वीं पिक्चर 2007 में आई प्रोवोक्ड जो हिट रही, इसके बाद उनकी 34वीं पिक्चर 2007 में आई जो इंग्लिश मूवी थी द लास्ट लीजन वो फ्लॉप रही, इसके बाद जोधा अकबर 2008 में आई जो कि सेमी हिट थी, और इसी के साथ उनकी 36वीं पिक्चर सरकार राज 2008 में आई बिलो एवरेज रही, इसके बाद उनकी 2009 में आई पिक्चर द पिंक पैंथर 2 जो बिलो एवरेज रही, इसके बाद उनकी 38वीं पिक्चर रावण आई जो 2010 में थी जो फ्लॉप रही, इसके बाद उनकी रजनीकांत के साथ रोबोट आई 2010 में जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, इसी के बाद उनकी एक्शन रिप्ले 2010 में आई जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉप रही, इसके बाद उनकी 41वीं पिक्चर 2010 में ऋतिक रोशन के साथ आई जो डिज़ास्टर थी, इसके बाद उनकी 42वीं पिक्चर 2015 में आई जज्बा जो फ्लॉप रही, इसी के बाद उनकी 43वीं पिक्चर 2016 में आई सरबजीत जो फ्लॉप रही, इसके बाद उनकी 44वीं पिक्चर ए दिल है मुश्किल आई जो हिट रही 2016 में आई थी, इसके बाद 45वीं पिक्चर उनकी 2018 में आई फन ने खा जो डिज़ास्टर थी, इनके बाद उनकी 2022 में आई PS1 46वीं मूवी जो हिट रही।